तो दोस्तों, हाल ही में भारत के द्वारा एक ऐसा फैसला लिया गया है जिससे चीन को भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और चाइना आगे से भारत के क्षेत्र पर अपना दावा करने से पहले चार बार सोचेगा, क्योंकि भारत दक्षिण चीन सागर के अंदर घुस गया है। दरअसल भारत सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी 6 से 7 सितम्बर को आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया जाने वाले हैं। अब आप सभी कहोगे कि यह खबर इतनी इम्पोर्टेंट कैसे हो गई, तो आप सभी को बता दूं कि 9 से 10 सितंबर को भारत के अंदर G20 समिट होने वाला है, जो कि भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इससे 2 दिन पहले पीएम मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे। तो आप सभी को भी लग रहा होगा कि भारत आखिरकार अपने G20 समिट से ज्यादा आसियान समिट को क्यों इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो इसके लिए आप सभी स्क्रीन के ऊपर में अब देखिए, है हमारा प्यारा भारत, और भारत के साइड में ही है आसियान कंट्री, जिनमें थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस जैसे दक्षिण चीन सागर के देश हैं। और इन सभी देशों में आप सभी ने एक बात गौर करी होगी कि यह सारे देश वही देश हैं जिनका चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है। और अभी हाल ही में जब चाइना ने अपना नया मैप जारी किया था, तो भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन के साथ इन देशों के भी कई महत्वपूर्ण स्थानों को चाइना ने अपना बता दिया था। यानी यदि भारत को चीन को काउंटर करना है, तो इन आसियान कंट्रीज के साथ भारत को अपने संबंध मजबूत करने होंगे, और इसीलिए भारत ने चीन के इन दुश्मन देशों के साथ हाथ मिलाने का फैसला लिया है। और प्रधानमंत्री मोदी अपनी G20 की मीटिंग से 2 दिन पहले आसियान समिट में हिस्सा लेंगे। पर आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है, और भारत ने आसियान समिट को इतना इंपॉर्टेंस देके क्या सही कदम उठाया या फिर गलत, कमेंट बॉक्स में। फिर आप स्थिति का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।